विदिशा के वार्ड क्रमांक 2 में रहने वाले रहवासियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नगरपालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए नगरपालिका के वरिष्ठ लिपिक को प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त जमा न करने की शिकायत की। लोगों ने बताया कि कई ऐसे परिवार में भी हैं जिनके नाम लिस्ट में है, लेकिन पहली किस्त उन्हें नहीं मिल पाई है। पीछे हो गया, साथ में हो गया महिलाओं के दादा, साथ हो गया, चलो गया। तैयार बैठे, सुनो तैयार तो बैठे मान पड़े। ये हमारे सभी नाम का नहीं है। आज एक ज्ञापन सौंप गया तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की है, तीसरी किस्त की मांग कर रहे हैं। वो किस्त अभी शासन से प्राप्त नहीं हुई है, जिन लोगों की प्राप्ति उनको दी जा रही है, बाकी किस्त से प्राप्त होगी तो वो दे दी जाएगी। दो साल से पेंडिंग है क्या अभी तक मांगी नहीं? अब इन लोगों का कहना ऐसा है कि 3 साल से पेंडिंग है, बाकी अब प्रकरण में देख के ही बात कर पाएंगे कि कितने साल से पेंडिंग है। अशोक कुशवाहा नाम है मेरा, जब वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। यहाँ पे क्या है कि मतलब जो पहली जो किस्त है प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो डली नहीं है और बहुत से लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। कितने लोगों की किस्त डली लगा? कम से कम 25-30 लोगों की किस्त तो पहली नहीं डली है अभी तो, कम से कम 10 साल से परेशान हो रहे हैं। आज किसके नाम ज्ञापन सौंपे, क्या मांग? आज यहाँ पे जिला प्रशासन के नाम से ज्ञापन सौंपा है, आश्वासन तो दिया, अब देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है। मेरा ठाकुर सिंह कुशवाहा, हम सब हमारे 504 की लिस्ट में 23 नाम है, उसमें कुछ नाम अभी डल रहे हैं, कुछ कुटी डल रही है और कुछ नाम काट दिए। आते हैं हम मैडम से पूछते हैं, नाकेदार से पूछते हैं कि साहब नई में किस्त में जोड़ दिया हमने, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ डॉक्यूमेंट कम है तो आप फोन लगा के हमसे बोलिए, हम पूरे डॉक्यूमेंट करेंगे। फोन नंबर लिखा है उसमें, पच्चीस लोगों के नाम है उसमें। और क्या क्या समस्या? वो यही समस्या, आज तक भी हमारे जिस दिन से नाला बना है, 1 मीटर गहरा नाला है, लबालब भरा है कीचड़ से। आश्वासन देते हैं, सत्ताधारी लोगों ने उस पर कब्जा कर रहा है, अपना व्यापार कर रहे हैं। अभी क्या कहा अधिकारी? अधिकारी बोल रहे हैं शासन से द्वारा प्राप्त नहीं हुई, कुछ देखेंगे हम।